नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का ऑनलाइन स्पेशल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो जंतु जगत के बारे में हम देखेंगे, एनिमल किंगडम इंग्लिश में जिसे कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्लांट किंगडम को कंप्लीट कर चुका है, उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले 15 वर्षों में जो जो सवाल पूछे गए थे प्लांट किंगडम के, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूले। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, JEE की शिक्षा भर्ती की, पुलिस विभाग की भर्ती, या स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी साइंस पूछा जाता है वहां पर ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पेशल के साथ। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस किए ताकि वीडियो की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आपके पास हो। साथ ही साथ 12:15 का टाइम ध्यान रखें, डेली 12:15 पर लाइव टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पर ईजी, मॉडरेट व हार्ड तीनों लेवल के हम लोग जो है सवाल को कवर करते हैं। तो आप जो है 12:15 पर लाइव होना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जंतु जगत के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जंतु जगत होता है क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जीव मंडल में समस्त यूकेरियोटिक कोशिका वाले, क्लोरोफिल रहित बहुकोशिकाएं, कोशिकाएं भित्तिरहीन, विषम पोषी, संवेदनशीलता तथा उत्तेजनशीलता युक्त चल एवं भोजन को निगलकर खाने वाले जीवों को जंतु जगत में रखा है। तो बेसिकली जंतु जगत की ये दोस्तों डेफिनेशन हो गई है। साथ ही साथ आधुनिक समय में जंतु जगत का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वर्गीकरण स्टोरर तथा यूसिंजर का है। तदनंतर सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघ नामांकित है। तो हम लोग टेबल फॉर्म में जो है सबसे पहले देख लेते इसका क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे संघ का नाम, प्रमुख लक्षण और उसका उदाहरण। तो हम लोग जो है जंतु जगत का पहला, सबसे पहला हम लोग जो देखेंगे वो है प्रोटोजोआ। ये सृष्टि के प्रथम जंतु है। एक कोशिका जली, एकल रूप से स्वतंत्र अथवा परजीवी हो सकते हैं। अब इनके उदाहरण की बात करेंगे तो अमीबा, पेरामीशियम, युगिलिना, निंद्रा रोग का परजीवी। अगला जो हमारे पास है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा की बात करेंगे तो शरीर छिद्रल, नाल एवं जल परिवहन तंत्र उपस्थित है। तो ये प्रमुख लक्षण हो गए पोरीफेरा के। और अब इसका एग्जाम्पल हम लोग जो देखेंगे वो है साइकन, ल्यूकोसोलिनिया इत्यादि जो है इसके उदाहरण है। अगला जो हम देखेंगे वो सिलेंटेट्रा है। इसके जो प्रमुख लक्षण वो होंगे, पहला है हमारे शरीर के अंदर गुहिका सिलेंट्रॉन उपस्थित है, और दूसरा दंश कोशिकाएं स्पर्शरक का उपस्थित होना। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा एवं जेलीफिश जो है इसका उदाहरण है। अगला क्लासिफिकेशन में अगला है वो है प्लेटी हेलिमिंथिस। इसमें जो है इसके प्रमुख लक्षण देखेंगे तो पाचन तंत्र एवं देह गुहा का अभाव, उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाएं द्वारा होता है। आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से उदाहरण, तो प्लेनीरिया, लीवर फ्लूक और फीताकृत्रिम इत्यादि जो है इसके उदाहरण है। अगला जो है हमारे पास वो है एस्केलिमिंथिस। इसके लक्षण देखेंगे तो बेलनाकार शरीर, चिकना वलयाकार, क्यूटिकल से ढका हुआ। अगला जो इसका लक्षण है वो उत्सर्जन प्रोटीन फ्रिंड्रिया द्वारा होता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसके तो गोलाकृतिम जैसे एस्केरिस, थ्रेडवर्म तथा वर्चुरिया जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। अगला है एनिलिडा की बात करेंगे तो इसके लक्षण होंगे लंबा बेलनाकार खंड युक्त शरीर, श्वसन प्राय त्वचा के द्वारा, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा भी श्वसन होता है, प्रचलन मुख्यतः काइटिन से बनी सीटी द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल कछुआ, जोंक, नेरिस इत्यादि जो है इसके एग्जाम्पल है। अगला है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा की बात करेंगे दोस्तों तो शरीर सिर वृक्ष एवं उदर में विभाजित है, पाद संधि युक्त तथा परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का है, और टेक्रिया, गिल्स, बुक, लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग होते हैं इनके। इनके उदाहरण हम लोग देखेंगे तो तिलचट्टा, खटमल, मक्खी, मच्छर, झींगा, मछली, केकड़ा, मधुमक्खी, टिंडा इत्यादि जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। हमारे पास अगले जो बचे हुए तीन नाम है वो है मोलेस्का। मोलेस्का की बात करेंगे तो शरीर सिर अंतरांग में विभक्त होता है, श्वसन गिल या टिरिनिया द्वारा होता है, और रंगहीन रक्त होता है। तो रंगहीन है रक्त जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो किस किस का है, घोगा, सीपी आदि का जो है रंगहीन रक्त होता है। अगला है इकाइनोड मेंढा। इसकी बात करेंगे तो जल संवहन तंत्र उपस्थित है, भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद होते हैं। इसके उदाहरण देखिए तो मुख्यतः समुद्री जंतु, सितारा, मछली, समुद्री खीरा या पंख तारा आदि जो है इसके उदाहरण है।
और आखिरी में हम लोग देखेंगे कोंडेटा। कोंडेटा की बात करेंगे तो नोटो कार्ड उपस्थित होता है इसमें, गिल रंध पृष्ठ तथा नालादार तंत्र तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है इसमें। और इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो मछली, मेंढक, छिपकली, कबूतर, चमगादड़, खरगोश, मानव आदि जो है इसमें आते हैं। तो मानव भी जो है कोंडेटा में आते हैं, ध्यान रखें आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये हम लोगों ने सिंपल और इजी वे में एग्जाम्पल देख लिए सारे इसके। अब हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं पिछले 15 वर्षों में जो सवाल इस पर बने हुए हैं एनिमल किंगडम पर, लास्ट 15 ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप सभी को पता है दोस्तों। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, JEE की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की, पुलिस भर्ती की, शिक्षा भर्ती की, जहां पर भी साइंस पूछा जा रहा है वहां पर ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 2002 में PT परीक्षा में पूछा गया था, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है, क्यों देख सकता है? क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गोले आगे की ओर निकले होते हैं जो उनको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। PT परीक्षा 2002 का सवाल है दोस्तों। कछुआ कैसा प्राणी है? तो अनियत तापी प्राणी है कछुआ, ये भी PT परीक्षा 2002 का सवाल है दोस्तों। प्राणियों में वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है लेटिन भाषा का जो इस्तेमाल किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए आप इसको। ये ऑडिट परीक्षा 2006 का सवाल है दोस्तों। मोहर लगाने में काम आने वाली लाख उत्पाद कौन करता है? तो वो लाख कीट करता है। ये सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है। किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? तो अचल संपत्ति दोस्तों ध्यान रखें किसको माना जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक एसिड को जो है अचल संपत्ति माना जाता है। ये MTS परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। मछली खाने से मरकरी विषारक्तन के कारण होने वाले रोग, तो वो मछली से खाने वाले रोग कौन सा है? मीनामाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें मीनामाटा नाम जो आपको ध्यान रखना है, मछली खाने वाले रोग, मछली से होने, मछली जो खाते हो उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है मीनामाटा। ये टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा 2011 का सवाल है। आगे देखेंगे दोस्तों भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा टाइगरस जो है इसका नाम है, ये भी असिस्टेंट परीक्षा 2011 का सवाल है। विश्व का सबसे विशालतम स्तनधारी वेल है, ये Tier 1 परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसका श्वसन अंग है, तो वो कहाँ है? वातक या ट्रे किया, ये भी 2011 का सवाल है, 10+2 स्तरीय परीक्षा था। अगला देखेंगे रुधिराहारी है, तो रुधिराहारी कौन है? मच्छर और खटमल, ये 10+2 पर स्तरीय परीक्षा 2011 का सवाल है। उपस्थिति मछली में, तो वो वाताशय नहीं होता है, ये ग्रेट C व डीप दोनों परीक्षा 2011 में पूछा गया था। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सभी को पता है कॉमन क्वेश्चन है, सांप में नहीं होता, MTS परीक्षा 2013 का सवाल है। हवा में पनपने वाले प्राणियों को कहते हैं उड़नशील, ये भी MTS परीक्षा 2013 का सवाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये सवाल है कीट में क्या होता है? तो 3 जोड़ी टांगे होती है। तो दोस्तों 3 जोड़ी टांगे जो है बहुत सारे जानवरों में पाए जाते हैं, उनके भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, MTS परीक्षा 2013 का सवाल है। 10 कोशिकाएं किस में मौजूद रहती? तो समुद्री एनीमोन में जो है मौजूद रहती है, ये भी MTS परीक्षा 2013 का सवाल है। कौन सा जीव विशेष रूप से समुद्री प्राणी है? तो इकाई नोडर्म जो है समुद्री प्राणी है, MTS परीक्षा 2013 का सवाल है। कौन मानवीय भाषा की नकल कर सकता? तो ये डॉल्फिन, ये भी दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा, MTS परीक्षा 2013 का सवाल है। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गेम्बुशिया मछली का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी जगह जहां पर कुआ तालाब होता है वहां पर जो है गेम्बू फिश छोड़ दिए जाते हैं ताकि मच्छरों की जैविक नियंत्रण हो सके। आगे देखेंगे दोस्तों एक पक्षी तथा कीट के पंख क्या होते हैं? तो वो होते हैं समवृत्ति अवयव होते हैं, ये MTS परीक्षा 2013 का सवाल है। शिरा युक्त हृदय होता है तो वो मत्स्य क्या होता है? MTS परीक्षा 2013 का सवाल है ये भी दोस्तों। उत्सर्जन उत्पादन के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करता है? तो वो कौन करता है? गोरिया करता है, ये MTS परीक्षा 2013 का सवाल है। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में सहायता करती, तो वो है गिल्स, गिल्स की सहायता से ही जो है पानी में मछलियां सांस ले पाती है, MTS परीक्षा 2013 का सवाल है ये भी दोस्तों। तो मैं बेसिकली दोस्तों हम लोग जो पिछले 15 वर्षों में जहां जहां सवाल पूछे गए हैं एनिमल किंगडम पे वो सारे हम लोग कवर कर लेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। सांपों की विष ग्रंथि किसके सदृश होती है? तो वो केशुरिकियों की लार ग्रंथि के सदृश होती है, MTS परीक्षा 2013 का सवाल है। त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो इनकी भी कितनी जोड़ी टांगे होती है?
तीन जोड़ी टांगे होती। तो ऐसे जो जानवर ध्यान रखे आप दोस्तों, जिनकी तीन जोड़ी, वह आगे हम लोग देखेंगे चार जोड़ी, यानी जिनकी आठ टांगे होती हैं उनको भी देखेंगे। आगे देखते हैं तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है। तो तोते का अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष का होता है। ये GD भर्ती परीक्षा 2013 का सवाल है। पक्षियों के पंख क्या होते हैं, तो वो रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। ये CPO SI परीक्षा 2013 का सवाल है। तो पुलिस लेवल तक के दोस्तों हम लोग जो है सवाल को कवर कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी कर रहे हो चाहे पुलिस की, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले। पांडा किसके कुल का होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिए पांडा जो है भालू कुल का होता है। ये भी CPO परीक्षा 2013 का सवाल है। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह का मोहक उप जाती है, तो वो इंग्लैंड का उप जाती है, इंग्लैंड की उप जाती है। 10+2 परीक्षा 2013 का सवाल है। अगला सवाल है अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है, तो जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा जो है ग्रहण करता है। सिग्नेट रिंग किसके जीवन चक्र में दिखाई देती, तो वो प्लेज्मोडियम में दिखाई देती। ये जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा 2013 का सवाल है। अगला है जो सवाल है वो परांश रूपी प्राणी है, तो वो है मत्स्य जो है परांश रूपी प्राणी है। JEE परीक्षा 2013 का सवाल है। सबसे बड़ा जीवित वानर कौन है, तो वो है गोरिल्ला। दोस्तों यहाँ पर वानर की बात हो रही, ध्यान रखें। ये CPO परीक्षा 2013 का सवाल है। उड़ सकने वाले एकमात्र स्तनधारी जो कि है चमगादड़, तो चमगादड़ पर भी जो है दोस्तों बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो बने तो चमगादड़ से रिलेटेड या जितने भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं उनको ध्यान रखें आप। ये असिस्टेंट ग्रेड 3 परीक्षा 2012 का सवाल है। आगे देखेंगे केचुआ के प्रत्येक शरीरांग क्या कहते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं विखंडन, विखंड कहते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास, अधिकांश कीट श्वास कैसे लेते हैं, तो वो श्वसन प्रणाली द्वारा जो है श्वास लेते हैं। 2013 का सवाल है। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, तो द्विसमपाली पूंछ पाई जाती है। ये भी संयुक्त स्तरीय परीक्षा 2013 का सवाल है। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है, तो वो नर कॉकरोच में पाई जाती है। 2013 का सवाल है। आगे देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वन लाइनर पूछे जा सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने लास्ट 15 ईयर के देखे, अब जो एक्सपेक्टेड है उनको देख रहे हैं। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो वो है एकिडना और प्लेटीपस जो है सीधे बच्चे नहीं देते, अंडा देते हैं। अगला देखेंगे मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। हम लोगों ने अभी देखा था 6 टांगों की बात करें तो कीट में कुल 6 टांगे होती है, 3 जोड़ी टांगे होती है। तालाब व कुएं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो ये भी हम लोगों ने देखा दोस्तों। गेंबू बिश फिश को जो है उसमें डाल दिया जाता है, जिससे जो है उन मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। कौन सा एक कपी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। लंगूर जो है कपी नहीं है। कपी वर्ग की बात करेंगे तो कपी वर्ग में चिंपांजी, गोरिल्ला, ऑरेंगुटेन तथा गिबन आता है, और वानर वर्ग में आता है लंगूर। ध्यान रखिए लंगूर जो है वानर वर्ग में आता है। आगे देखेंगे किस एक सर्प को भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प, तो नागराज, नागराज जो है अन्य सर्प को खाते हैं, भक्षण करते हैं। किस जीव में मादा मेथुनोपरांत नर को मार देती है, तो वो है मकड़ी। घटपर्णी में कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है, तो वो है पत्ता। घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं, ध्यान रखें इसको भी। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो वो वातक तंत्र से जो है श्वसन करते हैं। ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस एक संधिपाद है। ऑक्टोपस मोलास्क वर्ग का एक स्तन संधिपाद है जिसके 8 पैर होते हैं, ऑक्टोपस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। टिक और माइट वास्तव में एक मकड़ी वंश है। आगे देखेंगे नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ध्यान रखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। अनियत तापी प्राणी में शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, डायनासोर थे तो सरीसृप जो लुप्त हो गए। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संज्ञान में लाए जाते हैं, तो वो गुणसूत्र में स्थित जीन द्वारा लाए जाते हैं। अगला देखेंगे व्हेल किस वर्ग का प्राणी है, तो वो स्तनपायी प्राणी है। गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर का तापमान को हमेशा समान बनाए रखते हैं। आगे देखेंगे स्टार फिश, जेली फिश, हॉक फिश एवं समुद्री घोड़े वास्तविक में मछली है, तो इन सभी में जो है वास्तविक मछली कौन है, समुद्री घोड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखें।
लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक व शैवाल से। जब चींटी काटती है तो वो अंततः शेपित करती है, तो वो हमें पता है फॉर्मिक एसिड जो है छोड़ती है HCCOOH जो है इसका फॉर्मूला है। ऑक्टोपस है तो एक मोलास्क है। एक वास्तविक मछली है तो वो कैटफिश। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, तो इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर जो है वृक्ष की आयु निर्धारित की जाती है। और आखिरी में हम लोग देखेंगे मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है तो एपिकल्चर में किया जाता था। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। आज हम लोगों ने जो है इसके विशेष तथ्य भी देखे, साथ ही साथ पिछले 15 वर्षों में जो सवाल पूछे गए थे इस टॉपिक पर उनको भी कवर किया। एनिमल किंगडम, इसके पहले प्लांट किंगडम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको नहीं देखा दोस्तों तो लिंक आपको आई बटन पर दिखी मिल जाएगी, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पर नए व्यूअर है दोस्तों आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और 12:15 का टाइम ध्यान रखें, डेली टेस्ट सीरीज जो है 12:15 पर स्टार्ट हो जाती है। वीडियो के अंत तक देखेंगे, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।